नमस्कार दोस्तों, मैं इस्माइल अंसारी, आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव कंटेंट चैनल। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ खास कर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। सरकारी दफ्तर में नाबालिग से कराई जा रही है मजदूरी। एक और सरकारी नाबालिग बच्चों से मजदूरी न कराने हेतु सख्त कदम के कानून बना रखे। वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग में ही बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। क्या ये न्याय है? बुलंदशहर जनपद स्थित मध्य गंगा नहर के जिला कार्यालय में शासन देशों को ठेंगा दिखाते हुए नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने मामले में प्रकाश में आया है। मध्य गंगा नहर कार्यालय में रेती सीमेंट से बना मसाला एवं टाइल्स ढो रहे नाबालिग बच्चों का वीडियो वायरल होने से कार्यालय में अड़कम पच गया। वहीं इस मामले की जानकारी के संबंध में जिलाधिकारी महादेव के अवगत करा जा चुका है। शनिवार को मध्यम गंगा नगर कार्यालय में नाबालिग बच्चे से दूरी मजदूरी कराए करते थे। देखा लगभग दो बच्चे जिनकी आयु अनुमित 9 से 11 वर्ष के आसपास थी। वहीं मीडिया कर्मियों के मौजूद कर रहे इन बच्चों के वीडियो बनाते देखकर दफ्तर में कर्मचारी सबका गया और आनंद फानंद में मजदूरी कर रहे बच्चों के कार्यालय बाहर भेज दिया गया। वहीं मजदूरी करा रहे बच्चों की जानकारी लेने पर सूत्रों के मुताबिक मालूम चला है कि नाबालिग से कार्य करवा रहे हैं ठेकेदार। मजदूरी के रुपये के स्थान पर बच्चों के केवल रोटी देकर काम करवाते थे। नरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए।